मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पहली बार हमारे झारखंड में हमारे झारखंड की सरकार ने जो पहल किया है और इसमें राजनीति नहीं की है, जो ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए 27% लागू करने के लिए जो अपना कदम आगे बढ़ाई और विधेयक को विधानसभा से पास कराने का काम की, उसके विरोध में जो तरह के रणनीति विरोधियों और विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है वो काफ़ी निंदनीय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 1932 या खतियानी को परिभाषित करने के और 1932 ओबीसी आरक्षण, इन सब मामलों पर जो पेच फंस गया है, राज्यपाल ने कोई भी स्पष्टीकरण या कोई भी तर्क नहीं दिया है कि उन्होंने क्यों ये विधेयक वापस लौटा दिया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इन मामलों पे इसका समाधान ज़रूर आगे निकालेगी, ताकि एक बड़े जनसंख्या को आरक्षण का लाभ मिल सके, ताकि एक बड़े जनसंख्या को उनका अधिकार मिल सके, वो खतियानी के तौर पे परिभाषित हो सके, अपना अधिकार पा सके। साथ ही कई सारी समस्याएं हैं, मुझे लग रहा है कि ये बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि मैं इन सब बातों को रख दूँ, क्योंकि इस तरह का मंच हमें बार बार नहीं मिलता है। मैं आग्रह करना चाहती हूँ हमारे प्रभारी मंत्री से कि हमारा पूरा हजारीबाग जिला में कई जगह खनन प्रभावित क्षेत्र पड़ता है और मूलभूत समस्या का समाधान कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है। उनको बेघर कर दिया जाता है, फिर बिजली भी नहीं दिया जाता है, ना ट्रांसफार्मर दिया जाता है, ना ही कोई मूलभूत सुविधा, पानी जैसे सुविधा भी नहीं दिए जाते हैं। और ऐसे जगह पे अगर स्कूल भी है तो स्कूल को भी उजाड़ दिया जाता है और स्कूल काफ़ी दूर में उसको समायोजित किया कर दिया जाता है वहाँ के छात्र को, जिससे कि उन छात्रों को काफ़ी दूर जाने में परेशानी होता है। इसलिए मैं आग्रह करूँगी कि विस्थापितों के लिए जहाँ पे उनको बसाया गया है वहीं पे एक स्कूल बनाने का कृपा किया जाए। साथ ही ट्रांसपोर्टिंग सड़क कंपनी को अलग से बनाकर उस पर चलाने का कृपा किया जाए प्रभारी मंत्री जी, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग करते जो आम सड़क में बहुत सारे लोगों की जान जा रही है और उनको एक वस्तु की तरह उनको 4-5 लाख मुआवजा देकर उसको ठंडा बस्ता में डाल दिया जाता है। इसलिए संवेदनशीलता बरतते हुए जो भी कंपनी ट्रांसपोर्टिंग की है उनको अपना अलग सड़क बनाने के लिए बोला जाए और वो अपने सड़क पे ही ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।